अजय बाबू आऊ, आज के बाद हमको आपकी और आपको हमरी परवाह करने की जरूरत कोनो नहीं है, और आज के बाद हम आपको तंग भी नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कल हम शोभा टीचर के साथ आऊ करने वाले हैं। का करने वाले हैं? शादी। ये रहा हमारा शादी का कारण, आशीर्वाद देने जरूर आना। शोभा जी जरा ये आएंगी। अरे अरे इका, अरे हमरी होने वाली जोरू है, इका कोने में काहे को ले जा रहे हो? स्कूल का जरूरी मैटर है शगुन, बस एक मिनट। आऊ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शगुन आपका स्टूडेंट है और आप उससे शादी कर रही हैं? अजय बाबू, आज तक मुझे कई लड़के देखने आए, लेकिन उन्हें शादी के लिए लड़की नहीं बैंक चाहिए। सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं, तुम दहेज में क्या दोगी? आपको मालूम है शगुन ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम पढ़ी लिखी हो, और मैं ठहरा अनपढ़। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसे तो सिर्फ मेरी शादी की रजामंदी चाहिए थी, सो मैंने हाँ कर पर दी। फिर भी शगुन आपका स्टूडेंट है। सो वॉट अजय बाबू, किस कानून ने कहा है, किस किताब में लिखा है कि स्टूडेंट और टीचर शादी नहीं कर सकते? अरे शोभा, स्कूल मैटर पे बात कर रही है, पर्सनल मैटर पे इतना वक्त काहे को लग रहा है शोभा? नहीं नहीं शगुन, बात हो गई। अजय बाबू आप जरूर आना। हाँ जरूर आना शोभा। क्या बात है सर, ये शगुन और टीचर साथ साथ क्यों है? मुझे सब पता है, अब आप क्या कहते हैं? जब देखिए तो टीचर स्टूडेंट करते रहते हैं। अब है आपके पास कोई जवाब? हाँ है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक टीचर अपने स्टूडेंट को भगा ले गया, और जानते हो स्टूडेंट के माँ बाप ने क्या किया? खुदकुशी कर ली। आज तक वो हादसा मेरे दिल में खटकता रहता। सवाल भी खुद ही करते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं। आपके दिल की बात आप जाने, मगर आज मेरे दिल ने ये फैसला किया है। ये है हमारे प्यार की पहली सीढ़ी। ये क्या तुम्हारे कमर का पट्टा है? ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। इसकी इज्जत करना सीखो। देखो जया, मैंने प्रिंसिपल साहब से वादा किया है कि किसी भी तरह मैं तुम्हें मना लूंगा। ये फजूल की बातें छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने इरादे पर अटल हूँ सर, मुझे आपकी पत्नी बनकर 75% मार्क्स लेने हैं। तुम किसी और से शादी करके 100% मार्क्स लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं आपको एक हफ्ते की मोहलत देती हूँ, आठवें दिन आपको ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाना होगा, वरना जो कहानी आपने मुझे सुनाई है उसे मैं दोहराऊंगी। क्या मतलब? बदनामी या मंगलसूत्र, गुड बाय। अच्छा नहीं किया जया, खुदकुशी की धमकी देकर सर को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। बेचारे कल से घर में ताला लगा के गए हैं, कहीं तेरे डर से शहर छोड़ के ना भाग गए हो। अरे नहीं नहीं, वो देखो लगता है सर आ गए। मगर स्कूटर के बजाय टैक्सी में क्यों? अजय बाबू अचानक आऊ कर ले हो। नमस्ते भाभी, हमको बताया तक नहीं। अजय बाबू, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया, एक माली दो फूल। बधाई हो अजय। अरे क्या कर रही हो ये? अरे ठहरो, तुम रिवाज के मुताबिक जब नई दुल्हन घर में आती है उसकी आरती उतारी जाती है। रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिश्तेदार आने वाली बहू को सोने के गहने भी पहनाते हैं। कौन करेगा इतने सारे रिवाज? मास्टर जी का अपना तो कोई है नहीं, लड़की पहले ही अनाथ है। मास्टर जी जल्दी में अनाथ आश्रम में शादी करके आ गए। बात जल्दबाजी अकेले होने की नहीं है मिश्रा जी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो किसी अनाथ से। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मगर रीत रिवाज निभाना भी तो जरूरी है। आज से हम अजय की पत्नी के रिश्तेदार। अजय बाबू
में डिरामे भी लामे लेते थे क्या? कब किसे घर में लाना है, कब किसे किसका किराएदार बनाना है, ये सुरताल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे मेरा कैलकुलेशन कुछ और कह रहा था, पर आपने तो कुछ और ही कर दिया। गुड इवनिंग सर, कंग्रेचुलेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर और कहाँ जाओ? वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किसी की पांच उंगलियां घी में होती है और कोई घी को तरस जाता है। पानीपुरी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं जरा चाय भिजवाता हूँ। ए, ये क्या कर रही हो तुम? जाओ यहां से, जाओ। सुहागरात की सेज सजा रही हूँ ताकि आपको दूसरी बार याद रहे। दूसरी बार? दूसरी बार क्या याद रहे? जब मैं दुल्हन बनकर आऊंगी तो ये सेज खुद सजा कर रखिएगा। देखो जया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी जल्दबाजी में शादी की ताकि तुम्हारा भविष्य खराब ना हो और तुम दोबारा स्कूल जा सको। आपने शादी किसी लिए भी की सर, मगर अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। हमारे वक्त ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। ज्यादा बकवास मत करो नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, आई एम अ मैरिड मैन। आप एक शादी तो क्या, सात शादी कर लीजिए, तब भी मैं आपकी आठवीं बीवी बनकर इस घर में आऊंगी। ये मेरा वादा है सर। दिस इज माई चैलेंज। बहुत खुशकिस्मत है सरस्वती, जो तुझे देखते ही मासे शादी के लिए फौरन तैयार हो गया, वरना उसने तो मुझसे कितने मुश्किल सवाल पूछे थे। अच्छा, लेकिन हो सकता है जो सवाल उसने मुझसे शादी से पहले पूछे हैं वही सवाल तुमसे शादी के बाद पूछे सुहागरात के दिन। सरस्वती, 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 क्या हुआ? अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? अरे अरे, मैं एक अनाथ हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा पति मिलेगा। मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक मर्द हूँ और हर मर्द को एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। तुम एक औरत हो और तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए बराबर। वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। You follow me? Good. चलो चलो आओ बैठ। You want some water? अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गई? आपके बराबर बैठना ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, चलो ऊपर बैठ। तुम मेरी बीवी हो, गुलाम नहीं। देखो सरस्वती, मुझे सिर्फ तीन लोगों से प्यार है। नंबर वन, मेरी दादी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर टू, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। और नंबर तीन, तुमसे, क्योंकि अब तो मेरी बीवी हो। ये नंबर इससे पहले उन किताबों का था। लोग मुझे किताबी कीड़ा कहते हैं। ओ हाँ, जरा वहां से मिल्टन की पैराडाइज लॉस नाम की किताब लाना प्लीज। जी। उस किताब में मिल्टन ने यह लिखा है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ कर जिंदगी गुजारे तो उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो सकती है। ये क्या उठा लाई तुम? आपने काफी बड़ा नाम बताया था ना, तो उस हिसाब से मैं सबसे बड़ी किताब ले आई। बड़ी? तुम कहां तक पढ़ी हो? अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो? पांचवी क्लास। पांचवी क्लास? तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए? देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं पांचवी में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके पांचवी में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा तीन बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा, मैंने भी सर हिला दिया। बैठ। अंग्रेजी में तो तुम
जीरो, मगर हिंदी आती है कि नहीं? अरे ये क्या डबल मीनिंग में सर हिला रही हो? अगर आती है तो इस तरह सर हिलाओ, और अगर नहीं आती तो इस तरह सर हिलाओ। आती है। गुड। खाना बनाना आता है? तू तो एकदम पगली है रे, गर्दन हिलाकर इशारे से कह देना साफ आता है और फिर धीरे धीरे सीख लेना। मगर झूठ बोलना तो पाप है ना दीदी? कोई पाप पाप नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, वरना तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अरे तुम गहरी सोच में क्या पड़ गई? मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है। चलो शुक्र है। देखो मुझे खाने का बहुत शौक है, आई जस्ट लव फूड, और वेजिटेरियन से ज्यादा मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। ऐसी बात नहीं है, अगर वेजिटेरियन में कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो भी मैं खा लेता हूँ, लेकिन नॉनवेज में मुझे सब कुछ पसंद है, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन, कबाब, तगड़ी कबाब, पाया, गुर्दे कपूरे। सुनो सरस्वती, जहां तक हो सके मर्द को बोलने मत देना, मगर फिर भी अगर वो तुमसे ज्यादा सवाल जवाब करे तो फौरन बत्ती बंद कर देना। बत्ती बंद कर देने से मर्द का मूड बदल जाता है। और वेजिटेरियन में वेजिटेबल पुलाव, वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल फ्राइड राइस, वेजिटेबल कोरमा। अरे सरस्वती, ये बत्ती क्यों बुझा दी? सुहागरात के दिन सिर्फ बातों से दिल बहलाओगे क्या? अरे वाह, मैं तो समझा था तुम इस मामले में बिल्कुल भोली हो। अरे दादी माँ, इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? बंद करो ना अपनी आंखें सरस्वती।